धारण। तेरा दिल भी जाना सुना रही हूँ। पहले दो पंक्तियाँ सुनिएगा। पड़ोसियों को कहीं बुखार हो ना जाए। नहीं नहीं हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, भगवान ना करे कभी बुखार हो। हो जाए तो हमारे पास पैरासीटामॉल पड़ी है। नहीं भाई, हेलो जरा माइक देखो भैया, कम ना करना सीटी के चक्कर। हम मेहनत करे तुम भी मेहनत। लाइए भैया लाइए, राजस्थान नहीं नहीं रेगिस्तान में बारिश कर रही है। एक बार फिर से 101 रुपयों का पुरस्कार हमारे पवन भैया ने हमको दिया। इससे पहले 151 रुपए हमारे यहाँ ढोलक वादक को दिए, मिंटू भैया को मैं धन्यवाद दे रही हूँ, पवन भैया को। तो सुनिएगा अवधेश जी, बहुत अच्छा गीत आपको लगेगा। अनोखी जगत में है हर की कहानी। बहन जी, अनोखी जगत में है हर की कहानी। क्यों क्यों कहीं पे है दाना, कहीं पे है दाना, कहीं पे है पानी। कहीं पे है दाना, ये जो लाइन है कि कहीं पे है दाना कहीं पे है पानी, दादा इस पंक्ति को अपने पूरे गीत में चरितार्थ करूंगी। जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता, पवन भैया के घर गए, पवन मिलता लाओ भाई पानी लाओ, बहन जी आई हैं। और बाद में अंदर कह दिया कि भाई चाय नाश्ते का प्रबंध करो, साथ में समोसा जी। मतलब पहले दरवाजे पे जाओ तो सबसे पहले पानी आता है। लेकिन मेरे गीत में यही खास बात है कि जो लोग किसी के दरवाजे पहुंचे उन्हें नाश्ता तो मिला पर पानी नहीं पूछा गया। प्यासे रह गए लोग, कैसे सुनिएगा। कैसे सारंधा का प्रबल प्रेम लखो, घर पहुंच गए तो हुआ क्या। सारंधा का प्रबल प्रेम लख करुणा कर है पधारे। तब भूल गई वो तन की सुध बुध विष्णु जी को निहारे। सरंधा ने किया क्या, सारंधा ने कमला पति को काशी फल है खिलाया। लेकिन विशेष बात कोटेदार जी, कोटेदार जी विशेष बात सुनेगा, नाश्ता करा दिया लेकिन लेकिन भूल गई वो पानी पिलाना, प्रेम की अद्भुत माया। मारे संकोच के कहा नहीं और प्यास बुझाई कहा, सुनिएगा।
पिया त्रिपुर जाकर, पानी पिया त्रिपुर जाकर है वेद बानी। नाश्ता यहाँ किया, पानी त्रिपुर में पिया, पानी पिया त्रिपुर जाकर है वेद बानी। तो देखिए पंक्ति पूरी हुई, यहाँ मिला दाना विष्णु जी को। क्या बात भैया, आपने पहले ही बता दिया, यहाँ मिला दाना और वहाँ मिला और आदरणीय श्री वीरेन सिंह जी कोटेदार भैया की तरफ से ये 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समर्थन किया इनाम देकर कि यहाँ मिला दाना और वहाँ मिला पानी। आइए दूसरी कहानी त्रेता की। प्रभु के प्रेम में खो गई शबरी, झूठे बेर खिलाती है। प्रभु के हृदय में, प्रभु के हृदय में अपने लिए वो प्रेम खूब पाती है। भगवान राम घर पहुंच गए तो मारे प्रेम के बेर ले आई, पानी पूछना भूल गई, खुद चखती है और फिर प्रभु को देती है। प्रभु ये मीठा है खाइए, प्रभु ये खट्टा है फेंकिए। राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए, लखन जी ने नहीं खाए। वही बेर जो लखन जी ने नहीं खाए, संजीवनी बूटी बनकर उनके प्राण बचाने के काम आए। सुनिएगा, बेर बेर वो बेर खिलाती, बेर बेर वो बेर खिलाती, प्रभु की वो दीवानी है। बेर खिलाए श्री राम को, परना पिलाया पानी नहीं पिलाया, प्रेम में इतना खो गई बेरों को खिला दिया। भगवान प्यासे रह गए तो प्यास बुझाई कहां। सुनिएगा, पिया पानी अनसुईया घर, पिया पानी अनसुईया घर कहे वेद बानी। तो गाने की विधा पूरी कर रही हूँ क्या। पिया पानी अनसुईया घर कहे ब्रह्म ज्ञानी, यहाँ मिला दाना। अब आगे की लाइन आप लोग बोलिए। यहाँ मिला दाना तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक्टिव रहो, इतने मन से सुन रहे हैं कि आगे की लाइन खुद बता दी क्या। यहाँ मिला दाना तो वहाँ मिला पानी। पवन भैया एक अंतिम बात, कन्हैया लाल को बहुत प्रेम करती थी विदुरानी, विदुर जी की पत्नी। तो एक बार जब कन्हैया लाल वहां पहुंचे तो हुआ क्या, भोग छप्पनों तज के मोहन, छप्पनों तज के मोहन विदुरानी घर आए हैं। प्रेम में प्रभु के खो गई, इतना छिलके प्रभु को खिलाए।
का गूदा फेंक रही हैं और छिलके भगवान को खिला रही हैं और देखिए भगवान खा रहे हैं। तो हुआ क्या, पेट भर गया छिलके खाकर, कथा ये दिव्य सुहानी है। लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ क्या, भूल गई विदुरानी नटनागर को पिलाना। पिया है सुदामा घर, पिया है सुदामा घर, पद्म प्रभु ने पानी। पिया है सुदामा घर, अजय प्रभु ने पानी। तो पंक्ति पूरी हुई, ऐसे यहाँ मिला और गीत आपका आया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास कर रहा हूँ बहन जी, अगर बन जाए तो आशीर्वाद चाहता हूँ। सीना 2 इंच फूल गया, कलेजा भी बढ़ गया। गीत बना। और तेरा दिल भी जाना जी, प्रयास किया, चूंकि आपका सवाल कह रहा था अनोखी जगत में है हरी की कहानी। हरी की कहानी अनोखी, और कहीं पहचाना कहीं पहचानी, कहीं दाना कहीं पानी। आइए एक प्रयास देखिए। अरे कभी अपने मन से भैया जी, कहीं अपने मन से कहीं रही लाचारी तो कहीं पर है दाता कहीं पर भिखारी, और कैसी अधी
अजीब रचना विधाता तुम्हारी कहीं पर दाता अगर कहीं दाना कहीं पानी तो कहीं दाता तो कहीं भिखारी। आइए बात सुनिए। अरे देख ली बलि की जो मनसा आ गए हरि उसके दर। राजा बलि उसकी मनसा को जाना तो उसके दरवाजे पे आ गए भगवान श्री हरि। तो देख ली बलि की जो मनसा आ गए हरि उसके दर। और दे दिया था खुद मगर माँ गनु को आए उसके घर। स्वयं सब कुछ देने वाले लेकिन स्वयं दिया और मांगने आए तो कहना पड़ा क्या। वरदान दाता बनकर अरे क्यों है दुखारी। और वही पर है दाता वही पर भिखारी। क्यों? क्योंकि पहले तो भिखारी बनकर आए और जब सब मांग लिया तो बाद में आशीर्वाद भी दिया और उसको दान में भी दे दिया सब फिर से। तो अगली बात सुनिए सुनिए। है स्वयं वो ब्रह्म माना सब में विचरण आपका। राम जो सब कुछ जानने वाले हैं लेकिन बन बन भटक रहे हैं तो कहना और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पूछने की भीख मांग रहे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हाय स्वयं वो ब्रह्म मान सब में विचरण आपको कैसे भला दुख होता है संताप का। क्या आप पर भी दुख पड़ता है तो कहना पड़ा क्या। राज राजे भैया राज राजे होकर किस्मत बनी बेचारी। स्वयं देखो दाता स्वयं अंतिम और आखिरी बात देखिए। कृष्ण जी भगवान है जिन्हें पूजता हरियाम है। कृष्ण जी भगवान लेकिन कहते परम अवतार इनको देते ये धन धाम है। अरे परम ब्रह्म कहा गया इनको और फिर भी दानी स्वयं होकर ये दही के दुखारी। मक्खन और दही घर घर मांग रहे हैं तो कहो तो है दाता कहीं बोलिए कन्हैया लाल की जय। ये था मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। आइए पुनः आपकी सेवा में
एक गीत पढ़ रहा हूं, सुने। गीत बजा कौन सा? अरे आज की अपनी मुलाकात नहीं ये, क्या बात है, बच्चे क्या बात है छोटे, दिल धड़काया मैंने तेरे लिए, तूने मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, मेरे लिए मुझे तेरे लिए, तुझे बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, तुझे बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। एक बात देखिए, अब आनंद आ जाएगा यार, कहां चले गए साउंड वाले? हाँ चले गए। आइए, ये लोग कहां गए? गीत कर रहा है क्या कि जाने गए कुछ, जाने गए कल कुछ, नकल से मरे कुछ, अकल से मरे, जाने गए खल कुछ नकल से मरे और कुछ अकल से मरे, और कुछ को तो जाना गया सकल से मरे, जाने गए खल कुछ नकल से मरे कुछ अकल से, अब देखिए ऐसे ऐसे निशाचर पैदा हो गए, उनमें से देखा गया कुछ तो नकल करके मर गए, कुछ अकल ज्यादा लगाकर मर गए, और कुछ तो सकल से मर गए। भैया और बहन जी प्रयास देखिए, कहां गए थे? अरे नकल से भस्मासुर बसा हो गया है, नकल
नकल करके भस्मासुर भस्म हो गया, क्योंकि जब मोहिनी ने कहा ऐसे नाचो ऐसे नाचो ऐसे ऐसे नकल तो तक गया। नकल से भस्मासुर भस्म हो गया और नकल में ही काल ने भी खत्म हो गया। कालनेमी नकल कर रहा था साधु की, बेचारा खत्म हो गया। पवन भैया नकल से वो भस्मासुर भस्म हो गया है। नकल में ही काल ने भी खत्म हो गया और नकल से ही पान रख को धर्म हो गया है। द्वापर में एक राक्षस हुआ, पौंड्रक पौंड्रक, उसने अपने आप को श्री कृष्ण बता दिया। वही रूप चक्र मोरपंख मुरली धारण करता था, अपने साथ अपने बलराम को भी रखता था, उसकी नकल उसे ले डूबी। समस्या के हल लिए जो नकल से मरे और कुछ अकल से मरे, और कुछ को जाना गया सकल से मरे, को जाना गया नकल से मरे, कुछ अकल से मरे, कुछ को जाना अब देखिए नकल से तीन लोग चले गए, भस्मासुर चला गया, कालनेमी चला गया और पौंड्रक चला गया। अब बारी आई अकल से, कौन मरा कौन मरा? अकल से जालंधर मिटाया गया था। अकल लगाई गई तो जालंधर को उसका ही रूप रखकर, पहले तो उसका सतीत्व भंग किया गया, चूंकि अगर जब तक वो सती थी उसकी पत्नी पतिव्रता थी तब तक जालंधर को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने उसका ही रूप रखकर उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो अकल लगाई यहां पर, अकल से जलंधर मिटा और अकल से ही बाली को हराया गया। अगर बाली के सामने पवन भैया कोई पहुंच जाता, हिम्मत नहीं थी जीत जाता ना? अकल से ही बाली को हराया गया, तो अकल से जरासंध हराया गया था। जरासंध मारे नहीं मर रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने दूर से इशारा किया, इसको बार बार चीरते हो इधर उधर फेंक देते हो, ये ना करो, इसको एक इधर फेंको एक इधर फेंको, तो अकल लगी। अकल लगी तो कहना पड़ा क्या, पाए गए ये जो अकल से मरे और कुछ नकल से मरे, कुछ को तो जाना गया सकल से मरे, देखा तो कुछ है नकल से मरे, नकल से मरे, देखा तो माया गया नकल से मरे, नकल से मरे, देखा तो माया गया।
ये रहा नकल और अकल। अब देखिए सकल से कौन मर गया। बहुत ही भारी भरकम आशीर्वाद ये परम आदरणीय सम्मानीय दादाश्री श्याम सलोना एंड पार्टी मुख्य गायक दादाश्री राधे श्याम शर्मा जी बिहार उन्नाव। आप बहुत ही अच्छे कीर्तनकार हैं और आपने हम बच्चों को इतनी रात्रि तक समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 101 प्रपद मुद्रा हृदय से साधुवाद है। आइए सकल से सकल हम सकल से है ग्रीव मरा था। और ये कमेटी के सदस्य गणों की तरफ से 101 पर पद्म बहुत बहुत धन्यवाद है। संजय भैया सकल हम सकल से है ग्रीव मरा था। है ग्रीव नामक राक्षस हुआ तो उसके गर्दन जो थी वो घोड़े की लगी थी, तो भगवान विष्णु को उसी रूप में आना पड़ा उसका। बिल्कुल, तो सकल देख खुद ही वह भस्माच जरा था। एक भस्माच नामक राक्षस था, उसको वरदान था जिसको तुम अपनी सकल दिखा दोगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन एक समय वो आया, वो भगवान किशन से लड़ने आया। भगवान किशन ने रची ऐसी माया, वो जहां खड़ा था उसके सामने एक शीशा प्रगटाया, उसने अपनी ही सकल को सामने पाया तो दग गया। भैया तो कहना सकल से ही देखो वो चित्रांगद हरा था। और सकल से ही चित्रांगद का हरण हुआ। तो रागिया रागिया नकल और सकल अकल से मरे कुछ तखल से मरे कुछ को तो जाना गया नकल से मरे देखा तो कुछ तो है अकल से मरे और कुछ सकल से मरे देखा तो जाना गया नकल से मरे अकल से मरे देखा तो जाना गया नकल से मरे बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक खंडगीत सुने आप सभी लोग। और वैसे मैं तो चाह रहा हूं चूंकि जनता दानेदार जनता बची है, सवाल जवाब को छोड़कर।